ऑल ओवर पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामईन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम. दिस इज थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे. मायसेल्फ कॉल सबा गजाली एंड आई एम हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियो सफेसाद, द प्रोजेक्ट ऑफ नई सुबह. So dear listeners, hopefully you all are doing well and having a great life journey. I'm back after a long time, but not alone. I'm with my friend and let me introduce her. So let's welcome Afira Azam again. Hello Afira, assalamu alaikum. Assalamu alaikum Saba aur tamam sunne walon ko assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you doing? I'm fine. What about you, Saba? I'm as usual, evergreen and great. Yes, exactly. So, आपका तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जा रहा है और मैं आपकी रेगुलर फॉलोअर्स में भी हूँ और नई सुबह की तो क्या ही बात है, मतलब इनकी एफर्ट्स ने तो मुझे अपना फैन कर दिया है. बहुत शुक्रिया हमें सराहने का. अच्छा फीरा, आप क्योंकि फॉलोअर्स में से भी हैं और आप सुनती रहती हैं और आप पहले भी एक दफा आ चुके हैं तो आपको पता है कि शो का फॉर्मेट सेम ही रहता है, थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे. तो आप क्या कमेंट करेंगी वैसे इंग्लिश पे और सर्दियों पे, दोनों पे बात करनी है आज हमने. अच्छा, इंग्लिश और सर्दी, ये दो कॉम्बिनेशन आपने बहुत जबरदस्त रखा है. देखिए ना, इंग्लिश जो कंट्री है, यानी कि जिसकी जबान है इंग्लिश, जिसकी लैंग्वेज है इंग्लैंड, वहाँ पे सर्दी होती है. बिल्कुल, तो इंग्लिश पे और सर्दी पे, दिस इज द कॉम्बिनेशन. ठीक है, चले, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. और इंग्लिश के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि देखें, इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज इज द नीड ऑफ द आवर, आज के दौर की जरूरत है. और लर्निंग English in easiest way should be the priority of all the platforms. जैसे कि नई सुबह का आपका ये प्रोग्राम है या फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका जो है ये उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो इंग्लिश सिखाएं न्यू लोगों को, क्योंकि लोगों में इंग्लिश का एक फोबिया है अभी भी. लोग कहते हैं कि शायद बहुत मुश्किल लैंग्वेज है या हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या वो लोग सीख तो लेते हैं सुन के या कुछ भी, बट प्रॉपर उसका यूजेज जो है ना वो लोगों को नहीं आता. तो मेरा ये ख्याल है कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जैसे नई सुबह है या फिर बाकी इंग्लिश अकेडमीज हैं डिफरेंट, उनको चाहिए कि वो प्रॉपर वे में इंग्लिश को जो है वो मतलब प्रोपोगेट करें, सिखाएं, ताकि लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो और उसकी ईजी एप्लीकेशन जो है वो हमारे सामने आए. बिल्कुल. और सर्दी का मौसम तो खैर क्या ही बात है, आजकल यहाँ इस्लामाबाद से मैं हूँ तो इस्लामाबाद में तो शदीद ठंड है एंड लेकिन मजे का मौसम है, वी आर एंजॉयिंग हियर. हाँ, कराची की सर्दी तो आती जाती रहती है, एज यू नो आपने भी कराची में काफी साल गुजारे हैं. एग्जैक्टली, कराची की सर्दी जो है ना वो इस तरह से है कि वो होती कम ड्यूरेशन के लिए है, बट जब होती है तो ठीक ठाक ठंड होती है. लाइक जब कोयटा की ब्रीज, जो कोयटा की जो हवाएं हैं जब वो कराची की तरफ आती हैं, तो तब जो कराची का जो एक वेदर है जो उसमें चेंज आता है, तो वो ऑब्वियसली काफ़ी ठंड हो जाती है, काफ़ी मौसम को जो है वो चेंज कर देता है. बल्कि लास्ट कुछ मतलब सालों में कराची का जो मौसम है वो पहले से ज़्यादा जो है वो चेंज हो गया है, मे बी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग और द ओवरऑल चेंज इन द वर्ल्ड क्लाइमेट. तो लेकिन ये है कि ठंड सर्दी जो है वो ओवरऑल खूब अपना रोब जमा रही है पूरे कंट्री में. बिल्कुल बिल्कुल. तो इंग्लिश पे बात कर रहे हैं हम और साथ साथ हम बात कर रहे हैं सर्दी पे. अच्छा, इंग्लिश से याद आया, कुछ लोगों को इंग्लिश मैन बड़े पसंद होते हैं, मतलब लड़कियों को इंग्लिश मैन पसंद होते हैं और लड़कों को इंग्लिश वेमेन, ऐसे क्यों है, मतलब व्हाई आर वी क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम? इसकी रीजन जो है सबा मेन तो यही लगती है कि लोग जो है वो जरा स्टैंडर्ड कॉन्शियस हैं. अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है कि इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो यूजुअली गोरा होता है.
तो हमारे यहाँ जो है ना वो फेयर का फोबिया बहुत ज्यादा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए. व्हाट यू थिंक? और एक और चीज ये भी है, फेयर कॉम्प्लेक्शन के अलावा भी लोगों में ये है कि हम लोग थोड़े स्टैंडर्ड कॉन्शियस भी हैं. हमारे यहाँ जो लोग हैं यूजुअली वो स्टैंडर्ड कॉन्शियस भी हैं कि अगर इंग्लिश पीपल को लोग ज्यादा फॉलो करेंगे तो ये कि हमारा जो है वो स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड है, या जो हमारा एक हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो है वो खुद को एग्जिबिट कर पाएंगे. मे बी दिस इज द रीजन. माइट बी. So, listeners, बात करते हैं अपने प्रोग्राम के EDM की. और हमारा आज का EDM है जो कि हम सबसे पहले शामिल कर रहे हैं वो है icing on the cake. Icing on the cake. It's I-C-I-N-G, icing, O-N, on, T-H-E, the, C-A-K-E, cake. आइसिंग ऑन द केक यानी ये किसी भी चीज पे, किसी भी अच्छी चीज पे कुछ एक्स्ट्रा अच्छा हो जाना, यानी कि समथिंग पॉजिटिव, समथिंग व्हिच इज लाइक एन्चेंटिंग, जो कि उस चीज को मोर मोर एन्चेंटिंग बना दे, बहुत अच्छा बना दे. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई वॉज क्वाइट हैप्पी व्हेन आई गॉट प्रमोटेड इन माई जॉब, बट इट वॉज द आइसिंग ऑन द केक when I got to know that I'll be having the car as well. What do you think, Afira? That's great, Saba. ये idiom बिल्कुल बहुत widely use होता है, especially professional life में जो है ये idiom बहुत use होता है. Whenever we are incremented, या फिर whenever we get something new, या whenever we are enhanced, ठीक है, तो ये idiom basically जो है ज़्यादा professional के लिए ज़्यादा use होता है. और यहाँ पे बल्कि हम हमारे listeners के लिए जो enchanting word है वो भी बिल्कुल नया है, और which always come in the meaning of something which is very pleasant. तो enchanting जो word है वो भी बहुत positive meanings में use होता है. इसके अलावा ये जो word है icing on the cake, ये basically जो है most of the time आपकी professional life में यूज होता है, कि जब आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा या फिर कुछ ऐसा मिलता है, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको इंक्रीज कर रहा हो, तो बेसिकली यू कैन से दैट इट इज नॉट मोर देन आइसिंग ऑन द केक. ये एक बहुत यानी कि वाइडली यूज्ड वर्ड है. बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं इस तरह के, ये हमारे हाथों तो खैर यूज नहीं होते, लेकिन बाहर के ममालिक में या फिर यूजुअली जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो लोग बुक रीडिंग का जिनको शौक होता है, उनको पता होगा कि ये जो वर्ड है ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हो और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, यानी आपकी लाइफ जो है वो कुछ अच्छी टूवर्ड समथिंग पॉजिटिव जो है वो जाती है, तो उस वक्त जो है ये वर्ड ज़्यादातर यूज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है. तो आई एम श्योर दिस वर्ड वुड बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट नॉलेज फॉर आवर लिसनर्स, और हमारे लिसनर्स को इससे बहुत फायदा होगा. सबा, आपके रेफरेंस से मैं यहाँ पर एक और चीज मेंशन करूंगी कि जो जो वर्ड्स आप लोग इस चैनल के थ्रू या इस स्पेशलिस्ट प्रोग्राम के थ्रू आप लोग सीखते हैं ना, उन वर्ड्स के आप लोग सेंटेंसेस बना के ना अपने वर्ड्स में उनको यूज किया करें. इससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो एक तो इम्प्रूव होगी, दूसरा आपको ये वर्ड कभी भूले करें. सिर्फ सुन लेना इज नॉट द सोल्यूशन, उन चीजों को याद रखना, उन चीजों को आगे अपने लाइफ में अप्लाई करना, ये जो है वो सिखाने का असल जो मकसद है उसको पूरा करते हैं. बिल्कुल, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना एक तो वर्ड जर्नल क्रिएट करें, और वर्ड जर्नल के साथ साथ आप उसको अपनी एवरीडे लाइफ में, एवरीडे सिचुएशंस में आप उसको शामिल रखें, तभी आप कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड और बोल सकते हैं अच्छी इंग्लिश. तो करें हम थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश में. मेरा नाम है सबा गजाली, मेरे साथ मौजूद है अफीरा आजम. ऑलराइट, तो हमने अभी बात की आइसिंग ऑन द केक की. आइसिंग ऑन द केक पे हम और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई गॉट अ हैंडसम जॉब but when I came to know that my best friend would be my department head, then it was the icing on the cake. What do you think, Afira? Wow,
That's great. और बल्कि ये तो इसको हम आपको एक मजे की बात हो, अगर ये जो वर्ड है ना आइसिंग ऑन द केक, इसके लिए उर्दू में जो वर्ड जो होते हैं ना बेसिकली वो है सोने पे सुहागा. तो ये वैसे अगर ये रियल में हो जाए तो बाकी सोने पे सुहागा ही होगा. हाँ, फिर अगर आप मेरी बॉस बन जाए तो फिर कैसा होगा, मजा आएगा ना. मतलब आप चाहती है कि मैं आपकी बॉस बन जाऊँ? मैं पहले आपकी बॉस हूँ, आपको क्या लगता है मैं आपकी बॉस हूँ? हाय, बॉस इज बॉस एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट. सो जनाब, ये हमारी अच्छी अच्छी मजे मजे की बातें, और ऑफ कोर्स हम अच्छी बातें ही कर रहे हैं तभी हम आपके साथ हैं, और हम कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे. यू नो, ऑप्टिमिज्म इज पावर, ऑप्टिमिज्म इज नेसेसरी. और जो मैं आपको हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में होता है पॉजिटिविटी का तड़का. सो आई वॉज एक्चुअली टीचिंग द इंटरमीडिएट इन दिस वीक, और आई वॉज टीचिंग देम द पोम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल. तो ये जो एक पोम है ये पूरा मैसेज ही यही देती है कि डार्कनेस विल बी वैनिश्ड एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिविटी. इफ यू आर थिंकिंग दैट योर स्ट्रगल इज नॉट वर्दी राइट नाउ, देन यू विल बी गेटिंग द फ्रूट वेरी सून. सो यू शुड वेट कामली, पेशेंटली, एंड देन यू सी दैट हाउ योर एक्सपेक्टेशंस विल बी फुलफिल्ड. Exactly. और सबा, मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत दफा इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ टाइम गुजारते हो, बहुत ज्यादा आप लाइफ की हार्डशिप्स को फेस करते हो, बहुत ज्यादा आप ट्रबल्स से गुजरते हो, तो इन द एंड एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपको जो आपने वो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जो आपने वो ट्रबल्स फेस की हैं, जो आपने वो हार्डशिप्स फेस की हैं, उनका आपको एकदम से ना समर उनका फल मिल रहा होता है आपको, या जो आप उस टाइम पे सबर कर रहे होते हो, या जो आप उस टाइम पे चीजों को फेस कर रहे होते हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो, उनका आपको अल्टीमेटली रिवॉर्ड मिलता है. और वो टाइम आता है, वो है ना कि टाइम की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो बदल जा रहा है. एग्जैक्टली. तो अफीरा, जैसे कि जो डिप्रेस रहते हैं लोग या जो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, आई वुड से कि आप लोग जो है उन लोगों को देखा करें जो आपसे बुरी जिंदगियां गुजार रहे हैं, या मतलब आपसे कमतर हैं, आप उनसे बेहतर हैं. ये एहसास आपको एक एनर्जी देगा और आपकी जो हिम्मत है वो कभी टूटने नहीं देगा. सही बात है. इसके लिए एक जो बहुत अच्छी जो मतलब मैं अपनी लाइफ में जिस थेरेपी को अप्लाई करती हूँ वो यही है कि हमेशा मैं सोचती हूँ जब कभी मुझे डिप्रेशन हो या टेंशन हो, खैर ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो काफी बिटर हैं उस लिहाज से, तो जब सोचती हूँ कि अगर इससे भी बुरा हो जाता तो क्या कर सकते थे हम, अपने आप को ही आप दूसरों को देखें तो वो तो एक अलग चीज है. आप खुद को अगर उस सिचुएशन से ज्यादा वर्स्ट की तरफ ले जाकर अगर सोचो तो आप अल्लाह ताला के इतने थैंकफुल होगे कि अल्लाह ताला ने हमें फिर भी इतना उस तरह से नहीं, यानी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अपनी हमारी जो हमारे अंदर हिम्मत है उसके बराबर ही, उसके मुताबिक ही हमें मुश्किलात दी हैं, वरना अगर इससे ज्यादा हमारे लाइफ में मुश्किलात आ जाती तो हम क्या कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है. तो इसी तरह से अगर दुनिया में देखा जाए तो लोग बहुत बुरी बुरी कंडीशन में हैं. हमें अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के सोचना चाहिए कि क्या वो लोग इतने हार्डशिप्स जो है वो फेस करने की उसमें थे. एग्जैक्टली. अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो किसी की भी सख्त से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालते. तो दिस इज अ थिंग व्हिच वी ऑल शुड रियलाइज, एंड एवरी डे वी शुड थैंक हिम दैट ही हैज गिवन अस अनदर डे. सो विद दिस होप एंड विद दिस पॉजिटिविटी वी आर गोइंग फॉरवर्ड, और हम अपने प्रोग्राम को कर रहे हैं प्रोसीड. बात करेंगे एक वर्ड की, एक और वर्ड हम आपके लिए लाए हैं विच इज एडल्टरेट. Adulterate, A-D-U-L-T-E-R-A-T-E, adulterate. Adulterate means render
चीजों को खराब कर देना या फिर चीजों कर देना चीजों को या फिर चीजों को स्पॉइल कर देना. तो अगर हम इसका सेंटेंस बनाना चाहें तो हम ये बना सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू एडल्ट्रेट माई प्रेजेंटेशन बाय एडिंग द एक्स्ट्रा स्टफ. यानी कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को नहीं खराब करने वाली या खराब करने वाला ये एक्स्ट्रा स्टफ डालकर. मेरी प्रेजेंटेशन जैसी भी है इस वक्त वो परफेक्ट है. सो ये भी हम यूज कर सकते हैं, क्यों फिरा? एग्जैक्टली. इसके अलावा जो है इस वर्ड का मीनिंग इस सेंस में भी आता है. यानी मैं इस वर्ड को फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ आपकी बात को सेकंड करते हुए, कि किसी भी चीज की क्वालिटी को खराब कर देना यानी टोटली बुरा कर देना एक चीज को. एक चीज है वो अच्छी है या अपनी कंडीशन में है जो भी, लेकिन उसकी क्वालिटी को जो है ना वो टोटली सब स्टैंडर्ड कर देना. एक स्टैंडर्ड चीज को सब स्टैंडर्ड कर देना बेसिकली दिस वुड बी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट्रेट. और ये बेसिकली जो ये जो वर्ड है ज्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज होता है. एग्जैक्टली. तो हमने इसको यूज किया यहाँ पर ताकि हम इसकी आइडिया को समझ सकें कि ये कहता क्या है. आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स एंड माई यू नो फ्रेंड्स कि आप लोग वो सेंटेंसेस यूज किया करें जो आपके डेली लाइफ में जो है वो एप्लीकेबल हो, ताकि उन वर्ड्स के मीनिंग आपको प्रॉपर वे में अच्छी तरह से समझ में आ सके. सो अफीरा, अच्छा मुझे ये तो बताएं, आप ड्राई फ्रूट्स खाती हैं? बिल्कुल, मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत शौक से खाती हूँ. और ड्राई फ्रूट्स तो बल्कि आजकल ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी जो है वो बहुत बेहतर करता है. तो आजकल तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो सभी लोग बहुत शौक से खा रहे हैं. मुझे भी ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है. क्या पसंद है आपको? चिलगोजे पसंद है, अखरोट पसंद है, या मूंगफलियां पसंद है, या गजक पसंद है? मुझे ज्यादा जो है वो अखरोट पसंद है. अखरोट पसंद है, वाओ दैट्स कूल. तो अखरोट खाएंगे हम आपके इस्लामाबाद आकर आपके साथ और करेंगे एंजॉय सर्दी को. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. और मेरी फैमिली में जो है वो सबको और फ्रेंड्स में मूंगफली के सब लोग जो है वो क्रेजी है. मूंगफली मुझे पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं. मुझे ना कागजी अखरोट पसंद है, कंट वाला जो अखरोट होता है ना वो टूटता नहीं है. अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक जो अखरोट खाने से ना आपके ब्रेन पे, आपके दिमाग पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है. यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी जाता है. और एक रिसर्च के मुताबिक जो अखरोट है ना वो जैसे ओल्ड एज मेमोरी लॉस है तो उसमें उसको कम करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है. जो लोग अखरोट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो मेमोरी लॉस से जो है वो कम ही दो चार होते हैं. सही, ये तो बहुत अच्छी बात है. मतलब आपको खानी चाहिए, आप बुजुर्गी की तरफ जा रही है ना. बस दोस्तों का असर है. ये गलत बात है. देखिए मेरी आवाज तो स्वीट 16 वाली है, एवर बीन यू नो. अच्छा. मुझे तो लोग कॉल करते हैं और कहते हैं अम्मी को फोन दे दे, तो दिस इज अ थिंग भाई. ओहो हो, सही. आप ये नहीं बताया कि मैं खुद अम्मी हूँ एक बेटी. बिल्कुल बिल्कुल. आई एम आल्सो अ मदर ऑफ. बताना पड़ता है, ये बताना पड़ता है मुझे. बिल्कुल. सो अफीरा, आप बताइए आपको शो में कैसा लगा, मजा आया आपको? मैंने तो इस शो में आज बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा. एंड सबा, इट इज एन ऑनर फॉर मी. जो एक माहौल था, एक टफ स्केड्यूल चल रहा था, उसमें आपने मुझे अपने शो में कॉल करके थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स होने का जो है वो मौका दे दिया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन योर शो. सो लिसनर्स, विद दिस होप कि आपको शो पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ लर्न किया होगा, क्योंकि हमें लर्निंग के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए. और आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग रीडिंग जरूर किया करें, बुक्स की रीडिंग करें और चीजों को सुने, वीडियोस देखें ऐसी कि जिससे आपको एनवायरनमेंट मिले, अपने आप से सेल्फ थेरेपी किया करें, स्पीकिंग की कोशिश किया करें कि आप इंग्लिश को बोल सकें. और कॉन्फिडेंस लाने के लिए
शीशे के सामने खड़े होके बोलना बहुत ही ज्यादा मौसर अमल है जो कि आप कर सकते हैं, इफेक्टिव चीज है जो कि आपको करनी चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल सकें। सो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारें और खुश रह के गुजारें। आई मस्ट से कि लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स के बजाय आप दोस्तियां इस्तवार करें और दोस्ताना मरासिम ही हमें एक अच्छी और सहल जिंदगी दे सकते हैं। सो विद दिस होप अफीरा गुड बाय करें। बिल्कुल, इट्स द टाइम फॉर साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच सबा, एंड आई एम श्योर लिसनर्स को भी यहाँ पर ये सुन के सब अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपना फीडबैक और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं वो भी आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग मजीद क्या कुछ सीखना चाहते हैं, ताकि नई सुबह आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेती आए आप लोगों के लिए, और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो चलता रहे। तो ये है कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ सभा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट इज इन फैक्ट एन ऑनर फॉर मी, और बहुत अच्छा लगा आप तमाम लिसनर्स के साथ भी इस, बल्कि मेरा यहाँ पर दूसरा शो था आप लोगों के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सब अपना बहुत ख्याल रखें और हम सबको दुआ में याद रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। यस सिस्टर्स, मिलेंगे अगले शो में आपके साथ और करेंगे बात थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे, एंड यू नो द पॉजिटिविटी इज क्वाइट मैंडेटरी एंड ऑप्टिमिज्म इज पावर। You can vanish the darkness with your optimism. So with this hope, I'm leaving you and we'll be back inshallah very soon. Take care. Till then, bye-bye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.